हेलो दोस्तों, कुकिंग लाइव सीता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती है, तो सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरी और काबुली चने से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमने तोरी ली है 500 ग्राम, इसको दो बार कट कर लिया है। और ये 20 ग्राम हम चने लेंगे, काले चने, और ये आधा गिलास पानी लेंगे। और एक बड़ा प्याज बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 चम्मच जीरा। उसके बाद हम मसाले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। 1 बड़ा टमाटर और 3 हरी मिर्च और 5 से 6 कली लहसुन की लेंगे। और मसाले लेंगे, अब कुकर ले लेते हैं, उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, जीरा अच्छे से भून चुका है। उसके बाद प्याज डाल देते हैं, अभी मिक्स कर देंगे। उसके बाद ये सूखे कड़ी पत्ते हैं, ये डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। उसके बाद टमाटर भी ऐड कर देते हैं, हरी मिर्च और लहसुन, अभी मिक्स कर देंगे। और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे, साथ में मसालों को भी ऐड कर देते हैं, आधी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। उसके बाद ये हम काले चने भी डाल देते हैं, काबुली चने भी बोलते हैं इन्हें, अभी मिक्स कर देते हैं। और तोरी को भी डाल देते हैं, तोरी हरी सब्जियों में आती है तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। और भी हम गर्म मसाला भी डाल दिया है और ये आधा गिलास पानी डाला है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी आने तक पकने देते हैं सब्जी को। ये देखिए आप, सब्जी पक चुकी है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, एक बार जरूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।